सिमरन बस तेरा ऐसा बना दो भगवन जीवन हर पल हो सिमरन बस तेरा ऐसा बना दो भगवन जीवन मेरा मिटे मेरे ननम जन्म का फेरा हर पल हो सिमरन बस तेरा ऐसा बना दो भगवन जीवन हर पल हो सिमरन बस तेरा ऐसा बना दो भगवन जीवन मेरा चंद्रशेखर आजाद जी जिन्होंने भीम आर्मी का गठन किया और उन्होंने चीफ बने उस तो बाद आजाद समाज पार्टी बनाई उन्होंने राष्ट्रीय प्रधान श्री चंद्रशेखर आजाद जी बहुत खुशी हुई है कि अज युग पुरुष युग पलटाऊ महापुरुष जिन्हों का प्री निर्माण दिवस सी है और उन्होंने स्पैशल श्रद्धा सूल भेंट करने वास्ते उन्होंने जन्म स्थली पहुँचे उस तो बाद पूरे रूट अपना नवा शुरू तय करते हुए डेरा संत बाबा प्रीतम दास जी बाबे जोड़े रायपुर सूरपुर बड़ा इतिहासिक स्थान है बाबे जोड़े नप स्थान इतने नतमस्तक हुए उन्होंने पूरी टीम श्री लवली जी पंजाब के प्रधान श्री गर्जा जी और मेरे वीर एडवोकेट इंद्र जी बहुत ही सत्कारयोग हस्तियां तो मैं नाम लिखवा रही हूँ तो उन्होंने इतने डेरे के पहुँचने से बहुत बहुत धन्यवाद वेलकम करते हैं क्योंकि ये भी महापुरुष हैं जिन्हें भी आए हैं ये सारे महापुरुष हैं महापुरुष जरूरी नहीं कि चोरा पागे बन जाया करते हैं तो ये आम बाणी जो समाज की सेवा कर रहे हैं जो अज समाज में एकजुट करने का बीड़ा चुकया हुआ है जिहड़ा साहब श्री कांशी राम जी ने एक युग परिवर्तन के विच अपना योगदान पाया सी और राजनीति के विच कहोगे उथल पुथल मचा दी पूरे इंडिया के महापुरुषों का प्री निर्माण दिवस है और उन्होंने याद को ताज़ा करते हुए श्री चंद्रशेखर आजाद मेरे वीर ये भी बाई प्रोफेशन एडवोकेट हैं क्योंकि इन्होंने बारे दसना साढ़े लिए बहुत छोटी गल रह जाती क्योंकि पूरी दुनिया जानती है किसी तरह का भी कोई संघर्ष चाहे वह साहब श्री गुरु रविदास जी महाराज का मंदिर तुलनावाद का हो चाहे एससी एसटी एक्ट का हो कोई भी समाजिक मुद्दा जो बहुजन समाज में जुड़िया हुआ है सब तो अगे होके लेटेस्ट जो मुद्दा भैन मनीषा वाल्मीकि जी हाथरस यूपी के जो कांड होया बड़ा घिनौना कांड होया जिसे भी सब तो पहला वीर जिथे पहुँच के इन्होंने प्रोटेस्ट किया रोकया भी गया अरैसट भी किया गया लेकिन मैं एक वाइट सुनती थी कि मेरे को पता नहीं 50 केस है मैं परवाह नहीं करता ये दिल होना चाहिए बड़ा वाला जिगरा होंगे एवं नहीं बंदा नहीं तो एक
ये ऐसे खड़ा देख के बंदा घबरा जाता कि ऐसे ही मोहरे मिल गया, तो जिथे एडिया तसीहे दिते जाते तो उत्थे परवाह नहीं करनी। तो जो 90 दिन की जेल कट्टी ना तुमलकाबाद का मंदिर, तो वो भी वीर जी सब तो अगे सन, तो जे 96 साथियों जेल हुई उस वेले कुट्टा भी खादिया, असी लाइव देखिया यंग वीर कुट्टा खादिया। तो जो एक बच्चे के चपेट पै जाए तो मां का कलेजा बाहर आता, तो जो डंडे ना कुट रहा है ना तो उदो सारी दुनिया रो रही थी, क्योंकि साहब श्री कंशीराम जी की गल याद आ रही है कि कहते तुम बंदे बन जाओ मैं बंदे पुत मैं आप बना दूंगा। अच्छ जरूरत है सानू खुद को समझना और जोड़े समाज का काम कर रहे हैं उन्होंने साथ देना, सच्चे दिलों साथ देना। एड़ तेड़ छड़ के गुरगा वचन कमाए, जे अपने अंदरों एड़ा तेड़ा आप छड़ देवे ना, अपने अंदर जो बल फरेज आप छड़ देवे, तो जो गुरुआ के वचन आ गुरु रविदास जी महाराज ने सत्संग मिल रही माधो जैसे मधु खीरा, जाति ओषा पाति ओषा ओषा जन्म हमारा, राजा राम की सेवन की कह रविदास जुमारा। तो उन्होंने सानू एकजुट होने लगे मधुमक्खी तरह के, पर अज असं उसते गल जरूर करते गुरु रविदास जी महाराज दिया, तो असं उन्होंने बाणी का प्रचार भी करते, पर वो जी बाणी उपदेश है वो तो आप पैरा देते रहे। अज जरूर तो पैरा देते, क्योंकि महापुरश जोड़े आ वो एक संसार को एकजुट कर आते हैं, और संसार के जो कुड़त्ता फैली हुई होंगी है, जो इक्का दुखी हुई होंगी है, वह एकजुट करने वास्ते आते हैं, चाहे कोई भी महापुरश आ, क्योंकि महापुरश कौन बनता है जोड़ा त्यागी हों, जो चोला खा ला मर ही पाता है, आप भी कफड़ बन के तुरे हुए हैं इस सिर से जोड़े बने कफड़ ही हैं, क्योंकि जो तुम घर को त्यागता माँ बाप की परवाह नहीं की, भैन भरावान की परवाह नहीं की, सिर से कफड़ भरिया हों। तो महापुरुष भी जोड़े आ जो चोला पा लेंगे कफड़ पा लेंगे, वो उन्होंने वो आप ही मर जाते, सारे ने मर जाते हैं, उन्होंने सारे बराबर होंगे। तो महापुरखों के अंदर कदम भी ऊंच नीच जात पात इतनी चीज़ा कदम नहीं होंगे, वो सबनों एक नज़र के ना देखते हैं, क्योंकि देखना भी चाहिए, क्योंकि महापुरुष की कहते हैं राजदूता परमात्मा के राजदूत होंगे, मीडिएटर होंगे आम जनता तो परमात्मा के बीच। परमात्मा की है जिन्हें सृष्टि छी है, आप देखा लॉकडाउन के COVID-19 आप कहते रब परमात्मा है नहीं गा, प्रकृति है नहीं गई, लेकिन हैगी है, कहते साइंस सब कुछ है लेकिन साइंस फेल करती है, चलिया ना शूद्र बनाया सी, अज पता लग्या कि जो शुआ शाह सभना करते अज सारे अशूत बन गए, अशूत बने ना सारे घर के भैन भरा माँ बाप बच्चों तक नहीं देख पाए, टच नहीं कर पाए, इदा पता लग गया कि जिन्होंने 5 साल अशूतता बन जरा अपने हंडाया जिंदगी चाहिए, तो वो कि दर्द हों हंडाया सपना, तो पता भी लग्या, तो साढ़े लोगों को पता लग गया कि जे अज साडे भी आजादी आई है तो असी सन्ना ये शोशत की आ, तो अच्छा असली शोशत परमात्मा ने करके दिखाती भी आ जाओ बंदे बन जाओ, मैं थानू बंदे बनाना जे नहीं बनना। तो साहब श्री कंशी राम जी ने एक बहुत वड्डी गल कही, उन्हें मैं बुक पढ़ी सी, कहते कि साडे बच्चों के जुर्म होणगे, धियां भैणों का शोषण होएगा, हो रहा शोषण होएगा धियां भैणों का, क्यों होएगा, क्योंकि गुलाम की कोई जिंदगी नहीं, पराधीनता पाप है, जान लिहो रे मीत रविदास दास पराधीन से अरे कौन करे है प्रीत, गुलामों का कौन प्यार करता है, गुलामों को कोई नहीं गल ना लाता, एक गुरु रविदास जी महाराज 650 साल पहला कह गए, क्योंकि उन्होंने गुलामी हंडाई, संत हो गए गुलामी हंडाई, उस वेले तो शुआ शाह सिखरां नूं छू रही सी, अज तो आप सारे राजे हाँ, एजुकेट हाँ, पढ़े लिखे हाँ, प्रॉपर्टियां के मालक हाँ, बड़े बड़े घर चले रहते सोने डेरे च बैठे आप आके, तो उन्होंने तो झुग्गियों के भी रह के उन्होंने सिमरन करन का हुक्म नहीं सी, बाणी सुन का हुक्म नहीं सी, पर उन्होंने उस वेले ललकारिया वंगारिया, संत कबीर जी महाराज में समकाली संत हुए हैं, उन्होंने भी बड़ा वंगारिया, उन्होंने तो ब्राह्मण सीधा ललकारता कि जे तू ब्राह्मण ब्राह्मण ही जाया आन वाट काहे को नहीं आया, अज किसी जरूरत हैगी कहने की गल, अज असं माड़े बोलते हैं चाके परचा दर्ज हो जाता कि इन्होंने परचा पा के अंदर कर दो, लेकिन उन्होंने परवाह ही नहीं की थी, क्योंकि मर चुके सर अपना मार लिया से उन्होंने। तो साहब श्री कंशी राम ने कहा कि साडा शोषण तद तक होएगा जदों तक साडा इको एक मिशन जोड़ा है सत्ता के कागज, शासक दिया धियां के कहीं शोषण नहीं हो रहा, जेडे शासक आ उन्होंने उत्पीड़न नहीं हो रहा, उन्होंने यंग बच्चों कुट्टा नहीं पै रही, अज कि बच्चों को कुट्टा पै रही, कि जिन्ह कट रहे हैं जेडे गुलाम हैं, आप गुलाम हाँ, साड़िया धियां भैनों के क्यों यह जो शोषण हो रहे हैं, क्योंकि आप गुलाम हैं।
उन्होंने कहा सी कि अगर तुसी इन चीजा तो सारे तो निजात पाना है तो एक एक चाबी है सत्ता की चाबी शासक बनना है जिहदा जिहड़ा श्री चंद्रशेखर आजाद जी ने चुकिया है और पार्टी का गठन किया है। तो मैं इन्होंने इतने पहुंचे तो धन्यवाद करती हाँ कि इन्होंने नाल एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के नाल संदीप जी तिमांशु जी वाल्मीकि विक्की प्रधान जी राजीव कुमार लवली ए एस पी पंजाब प्रधान एडवोकेट इंद्रजीत सिंह जी मीत प्रधान बलवीर गर्चा पंजाब प्रधान भीम आर्मी गिन्नी माही जी हिमाचल इंचार्ज भीम आर्मी तो कमल बहाड़ा जी हरियाणा तो प्रधान भीम आर्मी जी पवन सोटी जी जे एंड के तो प्रधान भीम आर्मी के सारे सत्कारयोग हस्तियों का डेरे ते पहुंचण ते संत बाबा निर्मल दास जी महाराज तो वालों कोटन कोटन धन्यवाद वेलकम। आओ आपां हुण चंद्रशेखर आजाद जी साडे वीर एडवोकेट जी इन्हां दे आपां वडमुल्ले विचार जरूर सुनिए। जय भीम जय भारत जय गुरुदेव धन गुरुदेव वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह। जय भारत जय गुरुदेव नर मत वाहिगुरु जी दे खालसा वाहिगुरु जी। तो आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है और वो महत्वपूर्ण दिन इसलिए भी है कि अगर शोषित वंचित समाज में राजनीतिक चेतना अगर आई है तो उसके लिए जो सबसे बड़ा कार्य किया गया समाज को तैयार किया गया तो वो मेरे रहबर मेरे गुरु मेरे आदर्श माननीय साहब श्री काशीराम द्वारा किया गया। आज उनका परिनिर्वाण दिवस है, हम लोग उनके जन्मस्थली गए थे, वहाँ नतमस्तक हुए और नमन किया, उनके परिवार से मिले और ये संकल्प लिया कि उनका जो अधूरा सपना है वो पूरा करेंगे, उसके लिए जीवन के आखिरी क्षण तक संघर्ष करेंगे और उनके दिखाए रास्ते पर चलेंगे। जो रास्ता उन्होंने दिखाया बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का और जो सिद्धांत उन्होंने अपने जीवन में तैयार किए थे, क्योंकि नौजवानों में बड़ी ऊर्जा है तो नौजवानों को सिद्धांतों पर चलना बहुत जरूरी है। तो आज यहाँ डेरे पर पहली बार मैं तो आया हूँ, पहली बार मुझे आदेश हुआ तो मैं पहली बार चला आया, इससे पहले आदेश होता तो तब भी आ जाता। तो यहाँ पहुँचने पर गतिन सिंह गुरु जी को मेरा जो है सादर जय भीम सतना और एक ही इच्छा है मन में कि किसी तरह अपने महापुरुषों का रुका हुआ जो कारवा है उसे आगे बढ़ाया जाए। इसके लिए हमारे परम पूजनीय विश्वतन बाबा साहब अम्बेडकर ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी और तमाम जो संत महापुरुष हुए हैं संत स्वरूप संत रविदास जी महाराज भगवान वाल्मीकि महाराज गुरु नानक देव संत कबीर वो जो धार्मिक गुलामी काटी गई उस समय में फिर भारतीय संविधान लिखे बाबा साहब ने रास्ता दिया ब्लूप्रिंट बनाया और सही मायने में कमजोर वर्ग के लोग भी सत्ता में काबिज हो सकते हैं अपनी गुलामी को काट सकते हैं ये विश्वास ये एहसास कराया माननीय साहब काशीराम ने वो इस धरती में पैदा हुए पंजाब की। तो पंजाब की धरती में इस मिट्टी में बल और ये पूरी दुनिया में अलग है कि पंजाब में जाति व्यवस्था की कमर बड़ी चरमराई भी है वो टूटी भी है लेकिन पूरे देश में वो है और यहाँ हमारे लोगों पे इतने जुल्म जाति अत्याचार भी नहीं होते, यहाँ हमारा भाईचारा भी बड़ा मजबूत है। अब ये भाईचारा जो यहाँ मजबूत है ये सब जगह जाए और ये जाति व्यवस्था का जो कलंक है ये इस देश से कटे, इसके लिए फिर हमें जो है ये जो गंभीर बीमारियां देश को लगी है उनका इलाज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पहुंचा हूँ, मैं आदरणीय गुरु जी का जो है आदरणीय गुरु जी को नमन करता हूँ और ये विश्वास दिलाता हूँ कि पूरी ईमानदारी से इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और आपके आशीर्वाद की जरूरत पड़ेगी आप आशीर्वाद बना के रखिए। मेरी बहुत बहुत मंगल कामना आप सब लोगों को जो सब लोग यहाँ पहुँचे, मेरे साथ पहुँचे साथियों में हमारे पंजाब के भीम आर्मी के प्रधान श्री बलबीर गर्चा जी, हमारे आजाद समाज पार्टी के प्रधान भाई राजीव कुमार लवली जी, एडवोकेट इंद्रजीत साहब, हमारे
भीम आर्मी के हरियाणा के प्रधान भाई कमल बराड़ा जी, हमारी राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य और हिमाचल के इंचार्ज भाई गिंडी माई जी, हमारे जम्मू कश्मीर के जो प्रधान हैं भीम आर्मी के भाई पवन कुमार जम्मू जी, और दिल्ली के हमारे जो प्रधान हैं भीम आर्मी के भाई मांशु वाल्मीकि जी, भाई चावला जी, भाई सन्नी वाल्मीकि जी, और भी जो साथी पहुँचे उनका बहुत बहुत आभार। आप सब लोगों के लिए भी बहुत बहुत मंगल कामना कि सतगुरु जी महाराज की कृपा आप पे बनी रहे, आपका मंगल हो, और आपसे उम्मीद है कि आप इस मिशन को आगे बढ़ाने में पूर्ण रूप से ईमानदारी से इस मिशन को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। धन्यवाद। श्री राजीव कुमार लवली जी, ESP पंजाब के प्रधान, वो भी अपने चंद शब्दों के सारे का धन्यवाद कर, क्योंकि पंजाब का इस टाइम राज है, पंजाब के मालिक हैं। जय वीर। अज जिस तरह साढ़े कौमी प्रधान एडवोकेट चंद्रशेखर जी ने आप सबनों दसिया, उस महान शख्सियत का प्री निर्माण दिवस जिन्होंने बाबा साहेब डॉक्टर भीम राव अंबेदकर जी का चलाया होया मिशन, उस अधूरे मिशन को पूरा करन का उपराला किया, जो बाबा साहब ने इस दुनिया तो जाने तो बाद साढ़े सारे समाज लिए बहुत ही एक वधिया उपराला सी, जो साहब कांशी राम ने पूरा करन का एक इस तरह का उन्होंने विलक्षण काम किया जो सारी दुनिया उन्होंने सिजदा करती है। लेकिन 2006 दे विच वो इस दुनिया को अलविदा कह के साढ़े तो दूर हो गए, वो चाहे जिस्मानी तौर पर साढ़े तो दूर होए, लेकिन उन्होंने विचार, उन्होंने विचारधारा और उन्होंने कहे हुए वह वचन अज भी बच्चे बच्चे के दिल च राज करता, क्योंकि साहब कांशी राम ने मूवमेंट ही इदा चलाई है। मैं बहुत वडभागी समझदा अपने आप को, क्योंकि मैं भी इतने डेरे च पहली बार आने का मौका मिलया। संत प्रीतम दास जी जोड़िया वाले बाबे के नाम तो यह मशहूर डेरा, क्योंकि दुआबे की जिहड़ी बेल्ट है उहदे च काफ़ी जिहड़े डेरिया का प्रभाव आ, उन्हां प्रभावशाली डेरिया तो एक विलक्षण शख्सियत के मालिक इस डेरे के गद्दी नशीन बाबा जी संत निर्मल दास जी, जिन्हां की सच्ची अगवाई दे विच यह डेरा होस्पिटल और स्कूल दिन दुगड़ी और बहुत ही भारी तरक्की जिहड़ी सानू देखण नू मिल रही है, उन्हां च जिथे इन्हां दी सारी टीम बधाई दी पात्र है, इन्हां दे नाल नाल जिहड़े साडे मैडम जी बैठे ने इन्हां दा भी बहुत वड्डा योगदान। अज जो सानू इत्थे आउण दा सुभाग प्राप्त होया उहदे लई जिन्नी भी साडी कोर कमेटी दी टीम हरियाणे तो, जम्मू कश्मीर तो, दिल्ली तो, चंद्रशेखर भाजी के नाल ही होई सारी टीम का मैं इतने डेरे से आने का जिथे दिल दियां गहराइयां तो उन्हां दा स्वागत करदा, धन्नवाद भी करदा भी पंजाब की उस चरखे इस धरती के उपर ये जिहड़े डेरे ने खास करके दुआबा बेल्ट दे विच, इन्हां तो जिथे सानू साढ़े गुरुआं पीरां पैगंबरां का संदेश तो मिलता ही है, लेकिन उहदे नाल नाल सेहत सहूलतां और बच्चों को वधिया एजुकेशन प्रोवाइड करने का काम भी जिहड़ा डेरे करते हैं बहुत शलाघा योग कदम है, क्योंकि मैं खुद एक स्कूल चलाउंदा लुधियाणे दे विच। मैं इत्थे दसना चाहूँगा बाबा जी नूं भी ये स्कूल डॉक्टर अंबेदकर विद्या मंदिर, ये स्कूल लुधियाणे च उस जगह पर बनिया जिथे 1951 दे विच बाबा साहेब अंबेदकर जदों पंजाब दौरे पर आए तो उन्होंने चरण उस जगह पर पे, क्योंकि मेरे पिता जी स्वर्गीय बाबू अजीत कुमार जेडे कि 1962 MLA रहे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया तो, और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया
जिहड़ी बाबा साहब अंबेदकर की चलाई हुई पार्टी सी। जदों बाबा साहब इत्थे आए तो उन्होंने सारी जगह देख के तकरीबन 3.5 एकड़ जगह वह CMC हॉस्पिटल के कोल, तो उन्होंने एक गल कही सी भी जीत कुमार मैं चाहता हूँ यहाँ पे कोई अच्छी एजुकेशन का प्रबंध किया जाए, क्योंकि अगर हमारे बच्चे 10वीं पास ही नहीं कर पाएंगे तो रिजर्वेशन जो मैं लेके दे रहा हूँ उसका क्या फायदा होगा। सो उसी गल को ध्यान च रखते हुए उत्थे एक बहुत वधिया स्कूल प्लस टू तक का पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड तो एफिलेटेड इंग्लिश मीडियम चल रहा को एजुकेशन। ये मैं गल्लां तां तुहानूं दसनियां चाहुंदा वी इह जिहड़े कम ने इह जिथे साडे महापुरश करदे ने उन्हां सानूं सहयोग देना चाहीदा सारिआं नूं, क्योंकि जे साडे बच्चे एजुकेट होणगे तां जिहड़ी अगली गल तुरूगी। जिहड़ी हुणी मैडम जी ने वी गल कीती वी असीं राज सत्ता ते किद्दां असीं प्राप्ती करनी आ किद्दां होणा, ये सारा कुछ ता ही होगा जदों ये सारा आपां उपराले करांगे। सो मैं दोबारा फिर ज़्यादा समा नहीं लैना क्योंकि अगे भी जाना है सी, तो मैं सब दा आए हुए मेहमानों का डेरे वालों मैं सारिया का धन्यवाद करता। जय पी जय भारत धन गुरदेव जय गुरु। तो हुण मैं श्री बलवीर याचा पंजाब प्रधान पी मालवी नूं बेनती करांगी कि वह भी श्री चंद्रशेखर आजाद की पूरी टीम का धन्यवाद कर। अज साहब श्री राम के प्रिय नाम दिवस से पहुँचे चंद्रशेखर आजाद जी ते उन्होंने नाल राजीव लवली जी, एडवोकेट इंद्रजीत जी, हवांशु वाल्मीकि, कमल बराड़ा जी, ते गिनी माही जी, ते होर जिन्ने भी साथी अज प्रिय निर्माण दिवस से चंद्रशेखर के नाल पंजाब पहुँचे आ, मैं उन्होंने तय दिल धन्यवाद करता। तो उन्होंने नाल ही अज सानू इस महापुरशां दे डेरे विच नमस्तिक होने का मौका मिलिया, तो इन्हों तो आशीर्वाद लैके जो साहब कंछी राम का सुपना से अज उन्होंने प्रिय निर्माण दिवस से सानू एक प्रण लेना चाहिए कि जो साहब कंछी राम का सुपना आ वो पूरा करना, और जिसनों पूरा करने के लिए भीम आर्मी की अगवाई कर रहे हैं चंद्रशेखर आजाद, असी उन्होंने नाल तनो मनो तनो खड़े हाँ कि जिहड़ी बहुजन समाज के 85% लोगों का हक राइट बनता ये सत्ता हासिल करता दिल्ली से राज करन दा, ते वो मौका आ गया आप चंद्रशेखर की अगवाई विच करांगे। ते मधु मखीरे की मिसाल मैं बहुत बारी हर स्टेज के उत्ते सुनता हाँ साडे लीडर तो साडे संत महापुरशां ने मधु मखीरे की उदाहरण जिहड़ी दित्ती आ वो एक इस करके दित्ती सी कि मधु मखीरा जिहड़ा मक्खियों का डोमणा उहदा जिहड़ा नेता आ उहदी जिहड़ी राणी आ वो एक आ। ते साडे कोल भी इस वेले बहुजन समाज का राजा जिहड़ा वो एक आ चुका जिहदा नाम आ चंद्रशेखर आजाद, उन्हां दी अगवाई दे विच आपां साहिब श्री कंछी राम का सुपना जरूर पूरा करांगे। जय गुरुदेव धन गुरुदेव जय भीम जय भारत। तो मैं हुण श्री कमल बराड़ा जी भीम आर्मी जो हरियाणा तो पहुंचे हैं उन्हां नूं भी चल शब्द धन्यवाद करदा क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जी दा अपना धन्यवाद जरूर करो। थैंक यू। जय भीम जय गुरुदेव जय वाल्मीकि। वैसे तो जब हमारे राष्ट्रीय नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी हमारे साथ होते हैं तो हम बोलते नहीं, वो प्रोटोकॉल भी है, लेकिन आज माननीय साहब कांशी राम जी के परिनिर्वाण दिवस पर उनको अपना आदर्श मानते हुए और डेरे में खड़ा होके संत जी को अपना आदर्श मानते हुए और चंद्रशेखर भाई जी को विश्वास में लेते हुए मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि साहब कांशी राम जी के परिनिर्वाण दिवस पर आज ये शपथ लेते हैं, मैं भी लेता हूँ कि बहुजन मूवमेंट के लिए जो भी करना पड़ा वो करेंगे, और माननीय साहब कांशी राम जी का जो सपना है वो भाई चंद्रशेखर आजाद जी की अगुवाई में पूरा करेंगे, जो भी करना पड़ा वो करेंगे। जय भीम जय। तो मैं पूजनीय संत निर्मल जी महाराज जी का बेनती करेंगे
कि अपना आशीर्वाद श्री चंद्रशेखर आजाद जी ने पूरी टीम जरूर दियो और उन्होंने जो सम्मान है सरूपा दे के सम्मान जरूर कर पहला अपना जो आशीर्वाद है वो जरूर दे। बोले सो है सतगुरुदास महाराज की अज आप जी ने बहुत ही विस्तार के नाल जो साढ़े बड़े सत्कार जो श्री साहेब श्री कंशीराम जी इस डेरे वो तीन बार आए साढ़े को और उन्हों की रिकॉर्डिंग भी साढ़े को है 99 असी होस्पिटल का नींह पत्थर रखिया से उस वे साढ़े उन्होंने असी बेनती की वो इतने आए उन्होंने स्टेज के उपर अपना भाषण भी दिता। अज बड़ा दुख होया जिस वे उन्होंने असी इस दिवस से इकट्ठे हुए और उन्होंने अरदास की। एक मैं नैट पर कोई पढ़िया कि डॉक्टर साहब जी को जिन्होंने आके द्वारा उन्होंने जीवन मतलब उन्होंने जीवन प्रति जागृत किया काशी राम जी ने अज उस तरह कांशी राम जी और डॉक्टर साहब जी उन्होंने खुशबू आ रही है उन्होंने खुशबू आ रही है जो अज बाबा जी ने इस पवित्र स्थान पर पहुंचे आ साडे बहुत ही सत्कारयोग आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर जी आजाद को नहीं जानत है जग ने कई जगह पढ़िया को नहीं जानत है जग ने कौन नहीं इन्हों जानता और कौन नहीं इन्हों का नाम जानता जिन्होंने अपना जीवन और कई बार असं देखते हैं साढ़े समाज के जिस तरह बाग के एक बूटा लगा हों तो सारे बाग में महका दिता चंदन बना दिता महाराज ने लिखा बाणी के वो भी चंदन होए रहे बसे जो चंदन पास चंदन की ऐसी खुशबू है वो दूसरे दरख्तों दूसरे बूटों को चंदन बनाने की लोड़ नहीं उन्होंने खुशबू के नाल ही वो चंदन बन जाता तो महापुरुष कई बार पढ़ते हैं जो भी चंदन हो जाता जो रहा चंदन के कोल तो अज बहुत खुशी हुई है साढ़े इस पवित्र स्थान पर क्योंकि इतने बाबा जी ने 35 साल तपस्या की और एक बिस्कुट खा के सारी रात उन्होंने समाधि लगा के और संत बाबा सरगुणदास महाराज जी इस स्थान पर उन्होंने रात को आ जाना तो सारी रात उन्होंने इतने बैठे रहना तो परमारथ दिया और उन्होंने विवेक जो विवेक अध्यात्मक दलों करते रहना असी देखना कि बजुर्ग दोवें इकट्ठे हुए पता नहीं इन्हों की गलत नहीं मुकदिया पर उन्होंने सारी रात उस परमात्मा की उसत करते तो उस समाज के प्रति उन्होंने दिनों के ही बनारस के उन्होंने जाके ये सारे अपनी कौम के निशान बनाए। तो मेरा भाव है कि एक असी ग्रंथ पढ़िया वो योग विशिष्ट है एक बहुत वड्डी गल लिखी है शारदूल शारदूल गुरु होवे और शारदूल समाज सेवक होवे तो फिर कोई डर नहीं होता। शारदूल कहिंदे शेर नूं महापुरुष शेर होंदे आ जिथे पंजा लगा देंगे पंजा ने कोई मटेरन वाला नहीं है इस तरह जो समाज सेवक उन्होंने भी कोई निगाह भर के नहीं देख सकता क्योंकि उन्होंने गॉड की परमात्मा की ब्लैसिंग होंगी है। तो साढ़े बहुत ही मैं हरिद्वार में लंघ रहा सी तो इन्हों के बोर्ड लगे हुए आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर जी तो मैं हरिद्वार मिले तो कई बार मैं वैसे थानू तक नहीं गल पहुंची पर असी मिलना चाहिए
जिथे भी कई बार भुलेखा लग्या आसे पासे दे साडे लंघदे रहे तो पर असी इस बार बहुत तगड़ा जाम लाता बहुत तगड़ा जाम लाया और पिछे पिछे उन्होंने सारी साड़ी भी आर्मी आ वो भी काम कर रही है अज असं कामयाब हो गए लगा वास्ते तो बहुत बहुत धन्यवाद सारिया का तुम एक नहीं सारा है भारत भी करीब साढ़े को इस बेले भारत के जो साढ़े समाज सेवक या गुरु महाराज हूँ समझ लो गरीबी नहीं रहन लगी हूँ साड़ी ये कमजोरिया दूर दौड़नियाँ जिस तरह ना शेर गजता जंगल के बीच तो जेडे आ बाघ जो होंगे छोटे छोटे जानवर मिर्ग वगैरह की नाम कहते हैं जोड़े वो भेड़िए वगैरह होंगे तो जो तो शेर गजता ना तो सारे सहम जाते हैं तो अच्छ साढ़े समाज के भी शेर गज रहा और ज़्यादा ना मैं कहना एक गल कहूँगा लेकिन जोड़ा कानून के हिसाब ना जो भी कुछ है वो इन्होंने मालक की इन्होंने कृपा आ तो असी इन्होंने एक अरदास करा सारे संत महापुरश कि असी उन्होंने उत्थे देखना चाहते हैं वो तुम दस दो कितने देखना चाहते हैं असी उत्थे देखना चाहते हैं ये सारे तुम जानते हैं अज नहीं क्योंकि धनी जो बात के हैं लोग वह मर्द पूरे हैं धनी जो बात के हैं लोग वह मर्द पूरे हैं नहीं जो कौल के पक्के हर फन में अधूरे हैं तो आप पूरी तरह मालक की कृपा है बख्शिश है तुम नाल जुड़ गए असी अरदास करांगे बेनती करांगे असी यतन करांगे साड़ी जो भी सेवा तुहानूं हर टाइम 24 घंटे असी खड़े हाँ और सानूं बड़ा माण है तुहाडे ते सारिआं ते कि तुसीं साढ़े तो अगे क्योंकि महापुरशां दे आशीर्वाद पिछे हुंदी है उन्होंने कंध्यां ते हुंदी आ पिछे गुरु महाराज ने कल्या नहीं सारे समाज में आशीर्वाद दे के नवाजिया तो साढ़े जो नवाजन वाले महापुरश आ उस वेले दीआं सरकारां दे नाल क्योंकि उस सरकार ने कहा तुसीं मीरी पीरी क्यों पाई दो कृपाना क्यों पाइया फकीरां नूं कहा पंचम पातशाह ने तवी ते बिठा दिता तो उस वेले दी सरकार ने पुछिया कहण लगे भी उन्होंने बुलाया छेवें पातशाह जी उन्होंने बुला कह लगे थोड़े ना कोई गल करनी है जिस वे महाराज गए छेवें पातशाह जी तो दो तलवारां पहनिया हुई सी तो बादशाह ने कहा उस वेले दी सरकार ने कह लगे तुहानूं पता तुसीं किहनां दी संतान आ कहते हाँ गुरु नानक देव जी की उन्होंने संतान है तो फिर उन्होंने इदा दी तलवारा पहनिया नहीं तुम क्यों पहन रहे वो कह लगे उन्होंने लोड़ नहीं सी पर कोई उपर थुके तो फिर असी अपनी हिफाजत वास्ते रखी दो किसी वास्ते नहीं रखी साढ़े को जुलम करूंगा तो असी मीरी भी पीरी भी साढ़े को भक्ति भी और शक्ति भी होएगी तो असी थोड़े नाल मुकाबला करा तो साडा मुकाबला करोगे कहते इस बार मैं पहनी है दोवें तलवारा असी जुलम के नाल असी जो सा जुलम करूंगा एक भक्ति एक शक्ति दो तलवारा पहनिया तो अज असी खड़े हाँ साढ़े को इधर भक्ति इधर शक्ति भक्ति शक्ति जो इकट्ठी हो जाए गुरु लोगों ने बनाई है शिव महाराज गुरु गुरदास महाराज जी ने भी शक्ति का प्रदर्शन किया कंध्या के मार के दिखाया सारा कुछ देखो और उन्होंने जाके उन्होंने चेतावनी दी कि जो तुम इस तरह करोगे तो साडा समाज खड़ा असं खड़े हैं समाज लिए तो इस करके असी ज़्यादा ना कहते फिर बहुत बहुत पहले धन्यवाद करते हैं तुम साड़ी बेनती मंजूर करते हुए सारे दर्शन दिते ये थोड़ा घर आ असी थानू बेनती करते भी कदों भी तुम इस इलाके आओ जो भी आओ ये वास्ते ये थोड़ा ही है ये थोड़े वास्ते बनाया हॉस्पिटल स्कूल CBSE स्कूल चल रहे हॉस्पिटल चल रहे विदेशों जो आके लोग इतने सेवा लगाते हैं तो असी थोड़े लिए हाँ वो सेवा संगत भी है और थोड़े लिए असी खड़े हाँ कित भी सू जरूरत हो किस तरह की भी होगी ये नहीं अभी दौड़ वाले नहीं है असी दौड़ वाले नहीं है जो कि सू क्योंकि असी भी शेरों के पुत हैं ये शेर आ अभी शेरों के पुत हैं वो साडे शेर से महापुरुष साढ़े महापुरुष शारदूल का तभी शब्द वरत्या कि साढ़े महापुरुष शारदूल होए आ जिन्हों ने क्रांति लिया जिन्होंने परिवर्तन लिया पर अज तुसी उन्हां द्वारा उन्हां दी महक जो है तुसी बन के आए हैं तो असी तुहाडे नाल खड़े हैं 24 घंटे खड़े हैं और जिस तरह भी तुसी सानूं कहोगे उस तरह खड़े हैं असी तुहाडे लई अरदास करते हैं बेनतियां करते हैं और इहो इच्छा रखांगे कि तुसी तरक्की करो और उत्थे दा निशाना साडा कहड़ा
निशाना, क्योंकि जो जिमीदार बन्ना खिंचता ना तो इतने नज़र नहीं होंगी। कितने नज़र होंगी है जिमीदार, जिमीदार जो क्यारा बना ना बन्ना खिंचता जी तो नज़र पैर च नहीं होंगी, कितने होंगी है नहीं होंगी। समझो इस गल जी निशाना होंगे ना वो जिथे हम जाके सामने उत्थे नज़र होंगी बहुत बहुत धन्यवाद जी। असीं तुहाडा स्वागत करदे आ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੈ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਿਆ ਔਰ ਬੜੀ ਕੀਮਤ ਮਹਿੰਗੀ ਲਈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੋਂ ਬੋਲ ਮਹਿੰਗੀ ਲਈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਗਲਚਾ ਜੀ ਦਾ ਲਵਲੀ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਵੀਰ ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਾਧ ਮਾਈਕ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਓ ਭਾਈ किसी के नाक में हीरा, किसी के कान में हीरा, किसी के हाथ में हीरा, मेरा याद है हीरा। अगर आप मुझे अपना बच्चा मानते हैं ना तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मुझे अपना वास्तविकता बच्चा मानते हैं तो ये नहीं ले पाऊंगा, किसी को दे दो, किसी लड़की को दे देना, वो जैसे तो शादी वाला तो ऐसा बच्चा हो जाए जी। हाँ ये नहीं कह आपको नहीं दिया जी, महाराज जी मिट्टी का शरीर है इसलिए जाना है, ये मिट्टी का नहीं है इसमें मिट्टी का उसमें नूर है। आपने वो कर दिया, मैं निकाल लूँ और आप आ जाते हैं, आपका आशीर्वाद मिल गया मुझे। यादें तेरी भगवान कैसे भूल जाऊं मैं, यादें तेरी भगवान कैसे भूल जाऊं मैं, आठों पहर बस तेरे गुण गाऊं मैं, आठों पहर बस तेरे गुण गाऊं। तेरी भगवन कैसे भूल जाऊं मैं, आठों पहर बस तेरे गुण गाऊं मैं, आठों पहर बस तेरे गुण गाऊं मैं। नाम होवे सा चातन मेरा, नाम होवे धन मेरा, ऐसा बना लो भगव जीवन मेरा, हर पल वो सिमरन बस तेरा।